मैम जैसे हमने सुना है कि आ, प्रेगनेंसी में या तो जब आ, कोई प्रेग्नेंट है या आफ्टर प्रेगनेंसी डायबिटीज़ hmm. बहुत ज़्यादा होने लग जाता है लोगों को बहुत कॉमन है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंट hmm. वीमेन तो ऐसा क्यों होता है और अगर ये बात सही hmm. है क्या वैसे येस यस यस हमने पूरा पिछला साल जो है वो प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज़ पे बहुत अवेयरनेस क्रिएट hmm. करने की कोशिश करी बिकॉज दिस दिस इज़ एक और चीज़ ऐड हो गई है राइट right? बहुत सारी um, बहुत सारे फैक्ट सेम है रिलेटेड फैक्टर्स हैं वहीं के वो लाइफ वाला फैक्टर कह लो वेट वाला फैक्टर कह लो जो डाइट इतनी चेंज हो गई है हमारी hmm. वो फैक्टर कह लो एंड uh, अब गर्ल्स जो है um, पढ़ती हैं जॉब करती हैं मैरिज एज भी लेट हो गया है राइट hmm -hmm. right? तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो हुँ। एक ही तरफ लेके जाते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एंड प्रेगनेंसी क्योंकि थोड़ी लेट हो रही है आजकल तो वहाँ तक वो इतना बढ़ चुका होता है कि अगर थोड़ा और स्ट्रेस डालोगे उस पर तो डायबिटीज़ रेंज में आप आ जाओगे तो एक तो चीज़ जो हम सब लिए बोल रहे हैं कि जब आप मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो चुकी हो तो हम लोगों ने बहुत ये लोगों को बोला था कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूर जाओ Hmm. जब आप प्लान करते हो आजकल मोस्टली प्रेगनेंसीज होती okay. है hmm. तो हम कहते हैं पहले चेकअप करो अपना देखो hmm. कि है तो नहीं है देन यू आर ओके यू गो विद योर प्रेगनेंसी अब जिसका टेंडेंसी है रेजिस्टेंस का कि जब नॉर्मल था बिफोर प्रेगनेंसी यू वर फाइन आपका पेनक्रियाज कॉम्पनसेट कर रहा था फॉर एवरीथिंग लेकिन प्रेगनेंसी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बॉडी में hmm. अब जब प्रेगनेंसी हो गई वो हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ेगा hmm. और वो रेजिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगी तो वो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो फिर पेनक्रियाज वहाँ पे वो नहीं कर पाता कंपनसेट और शुगर्स बढ़ जाती आजकल हमने देखा है मैम बच्चों में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ गया है और क्या इसका कोई जेनेटिक ही रीज़न है या इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफ हाँ अब अब इसमें जैसे हम जेनेटिक फैक्टर्स बोलते हैं हैं तो है जेनेटिक फैक्टर्स हैं इसीलिए आपका रिस्क बढ़ रहा है आ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि आज से पचास साल पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है अब वो जेनेटिक्स जो जीन्स आ रहे हैं वो तो वहीं वाले हैं ना जो परदादा में थे दादा में थे माँ बाप में हैं और अब मेरे में आए हैं उसमें तो हम कहीं और से जीन नहीं लेके आए हैं वो तो सेम ही है लेकिन एक एपिजेनेटिक्स एक न्यू चीज़ है इसमें कि ये जो लाइफ जो इन्वायरमेंट है ये आपके जीन्स को मॉडिफाई करता है अब वो लाइफ ही है ठीक है कि लाइफ इतना ज़्यादा चेंज हुआ है हमारी इंडिपेंडेंस से लेके ये साठ सत्तर साल में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि बच्चे यू नो जो मैं के पहले कह रही थी कि देर इज वु सपोज टू बी वेरी एक्टिव फिजिकली अब वो पूरा स्क्रीन में हाँ कमला हारिस नीचे कार्तिक एलॉन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रम्प खड़े हुए हैं और उनसे कहते हैं कि पूर्व उद्योगपति इसलिए कहा क्योंकि अब मंत्री बनने वाले हो <laughs> कितनी सीमा हो तुम कितना लप्पू हूं मैं गाड़ी में बैठे दो बंगाली दो बंगाली गाड़ी में बैठे अब ट्रेन चल रही है गाड़ी में माछ भात माछ भात होए रे कोई तो रखते हैं दो बंगाली तो तीन होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया आ जाएगी